ओके, हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? ओके, अभी मेरा फीवर एकदम ठीक है, अभी मेरे को कोई फीवर नहीं है। आई एम टोटली फिट और क्लासेस भी शानदार तरीके से हो रही है। आप बताइए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की? कुछ होमवर्क किया? किया, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो, करने की विद्या है, जितना ज्यादा कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे, उतनी बात समझ आएगी। ठीक है, अब वो जिन लोगों ने किया है ना, और जैसा बता रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बने भी हैं, उनका एडवांटेज अब देखो आपको क्लास में समझ आएगा कि अगर कहीं कोई डाउट भी रहा होगा तो वो भी फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज जो चीज समझ आई है वो और अच्छे से फॉलो कर पाओगे, है ना? मैंने एस्पिरेंट देख लिया, मुझे अच्छा लगा, और मैं तो खुद आप लोगों को देखिए यही बोलता हूँ कि AIR रैंक 1 वाला जो कीड़ा है वो निकाल दीजिए, मजा लीजिए, मस्ती लीजिए, खाइए पिए, मौज करिए, और फिर साथ में जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकता है वो करो, इजंट इट? हाँ ठीक है, तो चलिए जरा एग्जॉर की एक बार बात करते हैं। एग्जॉर का जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कैन यू सी दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ एग्जॉर गेट, है ना? तो देखने में कुछ कुछ और गेट की तरह ही है, जैसे आप और गेट बनाते हैं ऐसे ही एग्जॉर गेट बनाएंगे, बस यहाँ पर एक एडिशनल लाइन यहाँ पर आप बना देते हैं, है ना? जहां तक बात है सिंबल, नाउ दिस इज अ सिंबल, यानी कि एक प्लस और उसके चारों तरफ एक सर्कल, है ना? ये सिंबल है जो बहुत पॉपुलर सिंबल है एग्जॉर का, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। तो दिस इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स एग्जॉर गेट, एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन, किस तरह से काम करता है, जो इसका भी नेचर देखेंगे वो भी समझ आएगा। दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी के ऑब्जर्व करेंगे अगर ए जीरो है ए बार बी तो बी का वैल्यू 1 होगा, अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 0, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए, बताओ? दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए कि डिफरेंट? दोनों का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, ये सिंपल सा आइडिया है। तो अगेन अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 0 0 पर आपको 0 मिलेगा, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और 1 1 पे 0। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल ऑफ एग्जॉर गेट। और ऊपर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, फॉर अ टू इनपुट आउटपुट विल बी हाई इफ एंड ओनली बोथ द इनपुट वैल्यूज आर डिफरेंट। टू इनपुट एग्जॉर गेट में आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हाई होगा अगर दोनों जो हमारे इनपुट से वो डिफरेंट है, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, फॉलो कर पा रहे हैं? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल नैंड नॉर या और एन एंड था। तो एक बार मैं एक छोटी सी कोशिश आपसे कराना चाहता हूं एग्जॉर गेट की, किसके साथ भी, फॉर अ थ्री इनपुट एग्जॉर गेट। एक बार जल्दी से बताओगे यहां क्या रिजल्ट मिलेगा? वेरी गुड, कुछ लोगों ने हो सकता है इस आइडिया को पहले से सोचा हो, विजुअलाइज किया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है ना किया हो। वैसे अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप पूरा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह से हम एग्जॉर गेट को यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं, बताइए? वेरी गुड वेरी गुड, तो ज्यादातर तो लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या अप्रोच हम रख रहे हैं, या तो मैं बारी बारी से करूं, कैसे करूं? जब मैं 0 को 0 से एग्जॉर करूंगा तो सेम वैल्यू है 0 मिलेगा, और फिर इस 0 को 0 से करूंगा तो 0 0 पर फिर दोबारा 0 ही मिलेगा। तब 1 बाय 1 कर सकते हैं, या फिर 0 0 पे फिर 0 फिर 0 मिलेगा, 0 1 पे करूंगा तो 1 मिलेगा, लाइक दिस। एक अप्रोच तो ये है। तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर कोई शॉर्टकट कोई डायरेक्ट कंक्लूजन आपको नहीं भी पता तब भी 1 बाय 1 वैल्यू करते हुए सॉल्व करते हुए क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, द एग्जॉर गेट इन डिजिटल लॉजिक गिव्स द आउटपुट हाई When the number of inputs high are odd, यानी के जो
हाई है, यानी कि जो वन है वो काउंटिंग में ऑड होने चाहिए कि इवन होने चाहिए? जो वन है वो काउंटिंग में ऑड होने चाहिए, तो अगर वन काउंटिंग में ऑड होंगे तो रिजल्ट भी, तो बहुत आसान शॉर्टकट हो गया। देखिए यहाँ पर एक ही वन है तो वन होगा, यहाँ दो वन है जीरो होगा, सिंगल पे वन होगा, डबल पे जीरो होगा, फिर डबल है तो जीरो होगा, तीन है ऑड है अगेन वन होगा। क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे? हालांकि क्या ये बात टू इनपुट एक्सोर गेट पर भी लागू होती है? हाँ, वहां पर भी जब सिंगल सिंगल था तो वन मिला, डबल पे जीरो मिला, बट आमतौर पे जब टू इनपुट एक्सोर गेट स्टडी हम करते हैं तो नॉर्मली आंसर कर देते हैं कि सेम पे जीरो और डिफरेंट पे वन, लेकिन जब दो से ज्यादा इनपुट क्लास हो तो फिर यू नो वन बाय वन फॉलो करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लें। और कंक्लूजन निकालना है जब इनपुट नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो आउटपुट वन होगा, वरना जीरो होगा। मुझे बताएं ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस आइडिया में? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो चलिए जरा, जैसे कल हम एक छोटा छोटा असाइनमेंट कर रहे थे, ये असाइनमेंट करियर मुझे बताइए क्या क्या वैल्यू इधर मिलेगा आपको। ए जीरो, इधर ए वन, एंड हियर यू हैव ए एंड ए, एंड हियर यू हैव ए एंड ए का बार। चलिए जरा ऑब्जर्व करिए। वेरी गुड। यहाँ पे शायद सारे केस डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा यार, ये गड़बड़ है डायग्राम में, एग्नोर है बट है ना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। वेरी गुड पॉइंट, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। पर अभी एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्जॉर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं बाय बाय फॉर्मूला भी चलूं, ए डॉट जीरो यानी कि ए बार एंड दिस, और इधर रख लेता हूं लाइक दिस, तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं तो क्या मेरे को मिलेगा? इधर तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट, और इधर ए डॉट जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, यानी कि सिर्फ मिलेगा ए। तो मुझे बताएं क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? अगर एक्सोर जीरो के साथ किया जाए तो हमको फिर दोबारा सेम वैल्यू वापस मिलता है। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अगर एक्सोर जीरो के साथ किया जाए तो विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सोर विद वन, तो यहां पर फिर दोबारा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ए डॉट वन एंड देन ए डॉट वन एंड देन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, नाउ दिस विल बिकम ए बार एंड अगेन ए बार ये होगा जीरो, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ए बार ही मिलेगा। तो अब ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है, बाद में आप देखेंगे कई जगह काम आएगा। वो क्या? अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो अगर किसी भी चीज को जीरो के साथ एग्जॉर करेंगे तो ये बफर की तरह काम करेगा। सही बात है क्या? मुझे बताओ, अगर किसी भी चीज को जीरो के साथ एग्जॉर करेंगे तो बफर की तरह काम करेगा, अगर वन के साथ एग्जॉर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। बफर मींस डिले, जो कल हम फॉलो कर रहे थे, इजंट इट? बफर क्या होता है? स्टोरेज डिले, जो इनपुट है वही आउटपुट है। ठीक है, सेम पर करने से क्या होगा भाई? अगर सेम वैल्यू से एग्जॉर करें, खैर ये हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर भी चुके हैं, जीरो को जीरो से करोगे, वन को वन से करोगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट के साथ एग्जॉर करने पर क्या होगा? एक बार इधर कॉम्प्लीमेंट, एक बार इधर कॉम्प्लीमेंट, तो इधर मिल जाएगा ए बार, इधर मिलेगा ए, तो यू विल गेट लॉजिक हुआ। तो यहां पर एक बार देख रहे हो कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट होते नजर आ रहे हैं। जय, आप क्या क्या डाउट पूछ रहे हैं? अगर मैं वैल्यू ए का जीरो और वन लूंगा तो क्या होगा? तो बेटा टेबल बनाया तो है, जो चाहे वो वैल्यू रख लो। माइंड से ना कह रहे, थर्ड क्लियर नहीं हुआ बेटा। इक्वेशन आपको पता है, ए और बी का एग्जॉर करोगे तो दैट इज ए बार प्लस बी, ए बार बी एंड ए बी बार, वैल्यू रखो। हाँ
रॉन्ग आ रहा है, फोटो खींच के भेजो, देखो मैं, जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे रॉन्ग आया। मयंक, थर्ड वाला आपने इक्वेशन कैसे सॉल्व किया उसका जरा फोटो खींच के भेजो, मैं देखना चाहता हूँ। जय, आप भी फोटो खींच के भेजो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है और हर जगह हम एक ही काम कर रहे हैं। ए एक्स और बी को हम क्या लिख रहे हैं, ए बार बी एंड ए बी बार, है ना। एक बार फोटो खींच के भेजो, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, फिर कोई डाउट हो। अच्छा, इसमें जितने भी बेसिक इनइक्वलिटी हैं, चाहे आइडेंटिटी लॉ यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो रहा है, आइडमपोटेंट यूज हो रहा है, क्या वो सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? हाँ, वो बेसिक ऑब्जर्वेशन है, वो सबका सब पॉइंट हमने पहले ऑब्जर्व किया, इजंट इट? ओके ओके। अच्छा, अगेन, अब अगर मैं प्रॉपर्टी पे बात करूं, तो व्हाट अबाउट आइडमपोटेंट लॉ? अगर ए को ए के साथ ही एग्जॉर करूंगा, तो क्या सेम वैल्यू मिलता है? नहीं, ये तो भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, ए को ए के साथ एग्जॉर करने पे जीरो मिलता है, सेम नहीं मिलता, तो इधर आइडमपोटेंट लॉ होल्ड नहीं करता, है ना। कॉम्प्लीमेंट पे भी शायद सोचना आसान होगा, कॉम्प्लीमेंट यस सॉरी कम्यूटेटिव पे, तो कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, बिकॉज ए का बी से एक्सोर करो, बी का ए से एक्सोर करो, तो अल्टीमेटली इक्वेशन सेम होंगी। जहां तक बात है एसोसिएटिव की, नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आपको याद हो तो नैंड और नॉर ने एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया था कि नहीं किया था, मुझे बताओ। हाँ राहुल, ए और ए बार का जो और है वो वन होता है, यस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि नैंड और नॉर जो कल दो गेट हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, क्या उन्होंने एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई किया था? नहीं किया था। बट क्या एग्जॉर अगर आपने ट्राई किया हो तो क्या एग्जॉर एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है? जी हाँ करता है, लेकिन अगेन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, करके देखेंगे, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था बार बार, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, करने की विद्या है, जब तक अपने हाथ से पूरा इक्वेशन एक्सपेंड करके नहीं देख लोगे तब तक वो सेंस ऑफ क्लैरिटी, वो फील आपको आ ही नहीं सकता, है ना। अगर किसी ने ट्राई किया है तो वो इस बात को अभी समझ पा रहा होगा, नहीं किया है तो जल्दी से अभी एक बार ट्राई करके देखो, और दोनों चीजें ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ जरा कैसे इसमें आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। करो एक एक करके, एक दो मिनट में इंतजार करता हूं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड का इक्वेशन लो, एक्सपेंड करके देखो, जब तक ट्राई नहीं करोगे भाई तब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, ये तय बात है। ऋषभ लाल कह रहे हैं ए बार प्लस ए बार इज इक्वल्स टू वन या जीरो, ए बार और ए बार इज ए बार ओनली, ये पहला रूल मैंने पढ़ा है ऋषभ बुलियन अलजेब्रा में, आइडमपोटेंट में, वो भी बेटा सेम ही है, आइडमपोटेंट है, सेम है, ए बार डॉट ए बार इज अगेन ए बार ओनली। अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो समस्या बहुत गहरी है। नहीं, ओके थैंक्स, नहीं, पुराने लेक्चर रिवाइज करो, आगे तो हाल खराब हो जाएगा डिजिटल में, नहीं बहुत मसले हो जाएंगे, ये बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, इट्स लाइक मैथ में आप मुझसे पूछ रहे हो कि 1 + 1 2 होता है कि 0 होता है, ऐसा। अच्छा, इधर आ जाते हैं,
तो ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, अच्छा कई लोग बोल रहे हैं नॉट इक्वल, तो अगेन लेट मी से दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑपरेंड, एंड या तो मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, चलो पहले ऐसे ही मान ले, तो दिस इज फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज सेकेंड ऑपरेंड, तो अगर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, दैट इज फर्स्ट ऑपरेंड का बार सेकेंड ऑपरेंड प्लस फर्स्ट ऑपरेंड एज इट इज और सेकेंड ऑपरेंड का बार, ऐसे ही समझाया हमने, है ना। अब अगर इसको मैं पहले इंटरनली रिजॉल्व कर लूं, हालांकि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बट चलिए कोई बात नहीं, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार और टोटल का बार इंटू सी, और इधर भी ऐसा ही होगा, ए बार बी एंड ए बी बार इंटू सी बार। अब इसको देखिए टोटल पे बार लगा हुआ है ना, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो एक चीज अभी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बाद में इस बात को प्रूफ करूंगा ताकि यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब भी इस टोटल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ए बार बी बार प्लस ए बी एक्सनॉर, एक्सनॉर का उल्टा क्या होता है एक्सनॉर, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए बार बी बार प्लस ए बी ब्रैकेट में सी, और इधर तो ये एज इट इज चल रहा है, ए बार बी एंड ए बी बार एंड सी बार। तब इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा ए बार बी बार सी एंड देन ए बी सी एंड देन ए बार बी सी बार एंड देन ए बार बी बार सी बार, सही बात है। तो स्टेप बाय स्टेप चार टर्म्स हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल एलजेब्रा है, जितने ज्यादा केसेस ट्राई करोगे उतना समझ आएगा, अगर आपने इसको पूरा भी एक्सपेंड किया होगा तब भी बाद में रिजल्ट यहीं पहुंचेंगे। अब अगर यही आइडिया मैं राइट हैंड साइड पे अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड, पहले ऑपरेंड का बार सेकेंड ऑपरेंड प्लस फर्स्ट ऑपरेंड ऐसे ही एज इट इज और सेकेंड ऑपरेंड का बार, फिर एक्सपेंशन चालू कर दीजिए, इधर ए बार और ये क्या हो जाएगा बी बार सी प्लस बी सी बार, है ना। और ये सेम आइडिया मैं इधर वाला लर्निंग इधर भी यूज कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार सी बार प्लस बी सी, फिर दोबारा एक्सपेंड करिएगा तो क्या मिलेगा, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, ए बार बी बार सी ए बार बी बार सी, ये मैच होता नजर आ रहा है, उसके बाद ए बी सी, ये ए बी सी इधर मिल गया, ये मैच हो गया, उसके बाद ए बार बी सी बार ए बार बी सी बार इधर मैच हो गया, और लास्ट टर्म ए बी बार सी बार ए बी बार सी बार। तो मुझे बताएं क्या पांचों के पांचों टर्म चारों टर्म मैच हो रहे हैं, जी हाँ, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके तो बहुत फंडामेंटल आइडिया है बट जो लर्निंग हमारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या है कि यहाँ पर बड़ा अजीब लगता है सोचने में बट फॉर अ सरप्राइज जो हमारा एग्जॉर गेट है वो असोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं, एग्जॉर गेट इज सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, सर ये डी मॉर्गन लॉ क्यों नहीं लगा फोर्थ स्टेप में, देखिए मैंने हर जगह डी मॉर्गन लॉ लगाया है, मैं बोल रहा हूं कि इसको यहां पूरा स्टेप करता तो एक्सपैंड हो जाता, डी मॉर्गन लॉ लगाने के बाद ही यहां पहुंचेंगे, अगर किसी ने आप में से पूरा लगा के देखा होगा तो आप समझेंगे कि बाद में यही रिजल्ट मिलेगा आपको, या कहिए तो लगा देता हूं, हालांकि मैं स्पून फीड करना नहीं चाहता कि एक एक छोटी छोटी बात भी मैं बताऊंगा, बट चाहिए तो लगा लीजिए। अब इस पर जब करेंगे तो क्या होगा, ए बार बी पे एक बार आएगा, ये और की जगह एंड हो जाएगा, और ए बी बार के ऊपर और बार आ जाएगा, फिर एक्सपेंड करिए ये बन जाएगा ए डबल बार और बी एंड ये बनेगा ए और बी डबल बार, ना डबल बार कैंसिल होगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हटा देता हूँ, फिर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ए ए बार एंड देन दिस इज ए एंड ए बार, यस, फिर मिलेगा ए बी,
उसका रिजल्ट से देखेंगे तो मिलेगा बी, आई एम सॉरी, इधर बार आ जाएगा ना, फिर मिलेगा बी बार ए बार एंड देन मिलेगा बी बार डॉट बी, तो बी बार डॉट बी एंड ए बार ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही टर्म आपको मिलेगा, ए बी मिलेगा और ए बार बी बार मिलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं सर, डायरेक्ट लिखने का कोई ट्रिक है इसलिए पूछा। सॉल्व देखिए, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ और कई लोगों को ये समय के साथ समस्या होगी, हम बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये समझने में भी दिक्कत हो रही है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? उन्हें ये समझ में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप कोई शॉर्ट, एक और बात समझिए ना भाई, मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप कोई शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हैं तो मैथमेटिक्स है, इट्स वेरी गुड, इट्स कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक आप आंसर मैच कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन, ये तलवार पे चलने जैसा है, वही शॉर्टकट लगाइएगा अपने हिसाब से जिससे आप श्योर हो कि सही रास्ता मिलेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, और कोई डाउट है तो किसी को बताइए। हाँ, मैंने कल भी इस बात को बताया था, दोबारा बता देता हूँ, आप ट्रुथ टेबल से चाहे बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में भी आपको पता नहीं कितने लंबे लंबे इक्वेशंस और कितने लंबे लंबे आइडियाज हम यूज करेंगे, तो ट्रुथ टेबल का जो मेथड है क्या वो बहुत लंबे चल पाएगा, आपका साथ दे पाएगा? नहीं, तो बहुत लंबे नहीं चल पाएगा, है ना, तो उससे बचेंगे तो बेहतर होगा। सर ए एग्जॉर ए कैसे निकाले? सर क्या ए एग्जॉर बी का फॉर्मूला पता है आपको? तो फॉर्मूले के अंदर जहां बी है वहां ए रख दीजिए। फिर देखिए, मेरे लिए तो बहुत आसान है, आप जो जो बोलो मैं एक 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 चीज सॉल्व करते जाऊं, लेकिन आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा ना। दूसरी एक कॉमन सेंस, अभी थोड़ी देर पहले आप इक्वेशन रट रहे हो, एग्जॉर की डेफिनेशन क्या पड़ी है? डेफिनेशन पढ़िए, जब सेम वैल्यू होगा तो जीरो आता है, डिफरेंट पे वन आता है। अब ये पूछना कि अपने आप में बेवकूफी का सबूत नहीं है कि ए एक्स और ए का रिजल्ट क्या आएगा? भैया जीरो ही आएगा, अभी बोला तो है कि सेम पे जीरो आता है। जब आप लेफ्ट ऑपरेंड भी ए दे रहे हो, राइट ऑपरेंड भी दे रहे हो, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन सेज, सेम वैल्यू पे जीरो आता है, डिफरेंट वैल्यू पे वन आता है। नहीं तो फिर यही तो डेफिनेशन था, इसको भी क्रॉस चेक करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे, सोचिए कि सर ए एक्स और ए बार का रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वन होगा क्योंकि डिफरेंट हुआ ना भाई। अगर ए जीरो है तो ए बार वन है, अगर ए वन है तो ए बार जीरो है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट वन होगा। बाहर ने तो हर चीज आपके पास है, बाहर में जाए अगर लेट आए हैं तो आए भी क्यों है? कोई किसी ने कोई प्रेशराइज किया, बंदूक रखी थी, क्यों आए हो क्लास में मत आओ। और खैर कोई बात नहीं, आगे कहीं पकड़े जाओगे, टाइम पे आते तो ही कौन सा महान काम कर लिए होते, मैं जानता नहीं हूं क्या। खैर मुझे बताएं, ये बात कम से कम फॉलो कर पा रहे हैं क्या, एसोसिएटिव वाली? हाँ भाई, तो ये जो हमारे एग्जॉर है ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेगा, बट आइडमपोटेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग लग रही है, बट आगे जाके आप देखोगे इन्हीं छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम निकालेंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक पॉइंट? अच्छा, जिनसे बोला था सेंड करने के लिए उन्होंने सेंड नहीं किया, जिनने कर लिया वो सेंड करे, तो भाई साहब उसको क्रॉस चेक कराने के लिए सेंड ना किया करें, अगर कोई डाउट है तो सेंड करो। हाँ भाई, वो क्या हुआ, दो वैज्ञानिक जो थे, आपने भेजा क्वेश्चन, दो वैज्ञानिक थे, कोरोना की वैक्सीन बनाई थी उन्होंने, कहाँ है वो? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये कंक्लूजन समझ आया। अब जरा दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत फंडामेंटल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको ऑब्जर्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। 45 सेकेंड्स इज सफिशियंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन याद के दिलाऊंगा कि आपको कोशिश सही करने की करनी है कि जल्दी करना है, सही करना है, तो 30 सेकेंड्स कम से कम लीजिए,
एक बार दोबारा पूरी तरह से तीनों केस ऑब्जर्व करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। सर कल मेरी गलती थी, मैं ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हिंदी के कमेंट बकवास, दिमाग खराब कर देते हैं। अगर दोबारा लिखोगे अभी फिर ब्लॉक करूंगा। ये जो आपने लिखा ये भी एक बदतमीजी है। ये आपका पर्सनल ट्यूशन तो है नहीं, जिसे जिस भाषा में कमेंट करना चाहे वो कर सकता है। तो दिमाग खराब है बेटा, घर जाओ, ठीक, दिमाग सही करो, जब सही हो तब आना। ये एक प्राइवेट ट्यूटर लगा लो जो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग से डायरेक्ट पढ़ा दे आपको, फिर इस तरह की बदतमीजी करी फिर ब्लॉक करूंगा, ठीक। ओके चलिए, यहाँ देखिए क्या क्या आंसर कर रहे हैं। 2% लोग बोल रहे हैं मतलब हिंदी के कमेंट इनके दिमाग खराब कर रहे हैं। इतना दिमाग है जो खराब होने लायक हो, ये बताओ पहले तो, दिमाग है कितना? चलो वो तो अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, 8 महीने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बहुत सूरमा देखे हैं मैंने, अब मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर ये बात साबित होती है तो, है ना। चलिए खैर, तो यहां देखिए, किन लोगों ने इस बात पे गौर किया है, नहीं किया, इसने करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था, बताओ। इसने इनकरेक्ट पूछा था। अब यहां देखो, 1 XOR 0 करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1। ऑब्वियसली तो सही लिखा हुआ, डिफरेंट पे 1 मिलता है ना। अब जिन 2% लोगों ने आंसर किया है, कोई ना कोई तो जानता होगा जिसने ऑब्वियसली ये किया होगा। अभी पूछूंगा ना तो कोई बोलेगा ये बटन दब गया था, कोई बोलेगा कंफ्यूजन हो गया था। बस मैं सिर्फ एक बात याद दिला रहा हूँ कि ये आंसर करने का मतलब है आप इनसिंसियर हैं, आप चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। तो लॉन्ग रन में हाँ, इनकरेक्ट नहीं देखा। किस बात की जल्दी थी अभिषेक जी? अभिषेक मतलब क्यों नहीं दिखा आपको? इसका मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ ये फॉर्मूला में लग गए। तो भाई बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व करने, ये तो मेरा फेवरेट डायलॉग है इस क्लास में, बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व करने की टेक्निक नहीं सिखाई जाती। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो आपको बताएं कि बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे सॉल्व करते, भाई हमारे पास वो विद्या नहीं है, है ना। तो बिना पढ़े सॉल्व कीजिएगा तो यही होगा। अच्छा यहां पर भी वही कहानी है, अगर ऑड नंबर ऑफ वाली बात देखे तो 3 1 है तो 1 लिखा है, बिल्कुल सही मैच है। मुझे नहीं पता कोई क्यों ये आंसर कर रहा है। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ 1 है और हमें पता है कि ऑड पे 1 आता है, इवन पे तो 0 आता है, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। और क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, है ना। वेरी गुड। और यहाँ पर 1 का 1 से आप एग्जॉर करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ये बात भी सही है, इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, सीधे ट्रुथ टेबल थी, वही पूछी हुई है, उसी को ऑब्जर्व करके आंसर करना है। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन, गेट 2016, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या हो। वेरी गुड। पहले पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लें, और जो लोग पहले से होमवर्क में सॉल्व करके आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगेन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग बुलियन ऑपरेटर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब बस ये देखना चाह रहा है कि आप कितना पढ़ के कितना सीख के आए हैं। क्या एक एक प्रॉपर्टी समझ आ रही है? जो भी मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा था, क्यों वो काम आता है, वो इसलिए काम आता है, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बात देख के समझ आ जाती है। और क्या है, जीरो से ऑपरेट करने पे सेम वैल्यू, 1 से ऑपरेट करने पे कॉम्प्लीमेंट। इतना पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि यार ये तो एग्जॉर की तरह काम कर रहा है, इजंट इट। 0 से ऑपरेट करने पे सेम वैल्यू, 1 से ऑपरेट करने पे कॉम्प्लीमेंट,
और सेम के करने में मिला, जीरो डिफरेंट के करने में मिला वन, ये तो चारों प्रॉपर्टी मैच हो रही है, 100% इट इज एक्सोर, और ये है तो लिखा तो एक्सोर, वाई एक्स बार प्लस एक्स बार वाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अच्छे लोगों ने आंसर भी किया 89, लेकिन 4%, 4%, 4%, चलिए इतना चलता है, कोई बात नहीं। आपने फोटो निकालने के लिए बोला तब मैंने सॉल्व किया तब समझा, तो पहले बिना सॉल्व किए ही सवाल पूछ रहे थे, जहर खा लो जाके। खैर ये बताइए, मन में सॉल्व किया था, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मन में सॉल्व किया करो। ये बात समझ आ रही है कि भाई इसमें तो कोई डाउट हो नहीं सकता किसी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वेरी गुड, एक बार जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। क्या बोल सकते हैं, अ बाइनरी ऑपरेटर हैश इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। अगेन 2015 का ही क्वेश्चन है, 100% दूसरे सेट में रहा होगा, और ये देख से आप समझ रहे क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर का नाम नहीं बताना चाह रहा, ये अलग अलग प्रॉपर्टी देख रहा है कि आप ऑपरेटर कितना पढ़ के आए हो, इजंट इट, मजे की बात है। अगले ने टेबल बना के दी है आपको, टेबल बना के दी है, बस ऑब्जर्वेशन करना, आंसर बताना था, तो 0 0 पे 0 0, 1 पे 1, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। अगर ये टेबल देख के कोई ये ना बता पाए कि एक्सोर जो है वही हैश है, तो उसके साथ क्या किया जाए मुझे बताओ। अगर गब्बर सिंह होता क्या करता उसके साथ, जो ये टेबल देख के ये ना बता पाए कि ये क्या है ना। तो इससे साधारण क्वेश्चन कोई हो सकता है, सवाल उसके बाद अगला था। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई साहब ये एग्जॉर है, तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है, क्या ये एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत है? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है, क्या ये एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत है? जी नहीं है। ये आपको अब यहां समझिए प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जितना ज्यादा पढ़ के जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, उतना एग्जाम में टाइम कम लगता है, ये चीजें फिर ऑब्जर्व करनी है, तो अपने को पता है हमने पढ़ा है, हमने प्रूफ किया अपने, आज समय याद है, एक्सोर है तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है, ये ए सही आंसर है। और मैं आपको याद दिला रहा था, क्या ये क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, क्या पूछ लिया ये बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट के ऊपर, इजंट इट। तो भाई डिजिटल में यार कुछ ना पढ़ के जा, लॉजिक गेट तो पढ़ के जा, कम से कम ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो, भले के मैं अपना समझ आए, मेरी बात समझ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ तो आसान हो सकता है। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, लॉजिक गेट का सवाल गलत करे, तो फिर क्या कर सकते हैं, सोचिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस बात को समझो, आपको क्या लग रहा है इस क्लास में कितने लाइव स्टूडेंट है मुझे बताओ, अंदाजा मारो। अभी किसी किसी क्लास का स्टार्ट मुझे पता लगता है, अभी नेटवर्क्स मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में, है ना, उसकी फर्स्ट क्लास में किसी किसी के लिए मेल मेरे को आ जाता है कि क्या उसका स्टार्ट है, उसकी फर्स्ट क्लास में 615 बच्चे ऐसे थे जो क्लास में थे, कैन यू इमेजिन, 615 स्टूडेंट, 15,000 मिनट्स का लाइव टाइम है, आप बोलोगे तो आपको मेल दिखाऊंगा, 15,000 मिनट्स। तो ऐसा मत सोचना कि लोग पढ़ नहीं रहे, लोग कर नहीं रहे, आधे लोग तो पोल में पार्टिसिपेट नहीं करते, आधे लोग आते पढ़ के चले जाते हैं। यस,
इस क्लास में भी कम से कम, क्योंकि 2-4% था, इतने कम से कम 400 बच्चे भी ऑनलाइन है, 400 बच्चे। तो भाई आप समझ लो कि कॉम्पिटिशन, और ये तो वो है जो अनएकेडमी में, जो इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई मेहनत करना है और तरीके से करना, वरना कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। चलो खैर, ये क्वेश्चन तो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। हाँ वो सबका मतलब सेम है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये जरा सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा। हाँ सदगुरु बेचारे पहले से सफाई देने लगे, एक तो नाम भी रख लिया सदगुरु, गलती आप करो बदनाम सदगुरु होंगे, है ना? आपको पता है इस क्वेश्चन के लिए मैंने डी क्यू मार्क किया। आधे बच्चे इतने जाहिल हैं, इतने गधे हैं, बेवकूफ हैं, क्या बोलूं, सीक्वेंस रट के बैठे हुए हैं, सीक्वेंस रट के। मैं समझा रहा हूं भैया, जल्दी आंसर करने से कुछ नहीं होगा, है ना? सीक्वेंस रट के बैठे हुए हैं कि अगले का डी है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जो क्लिक करेगा पहले 10 को ही मिलेगा, बाकी मर जाएंगे। अरे भैया पागल हो क्या? एक कॉमन सेंस सोचो। अब कभी कभी मैं देख पा रहा होता हूँ जगह से, थोड़ी देर बाद या कुछ समय के बाद आपको ऑब्जर्वेशन आएगा, अगर आप सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके भी आए हैं तो क्या आपका दिमाग होना चाहिए, चलो सर की बात सुनते रहते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं या कुछ लॉजिकल काम कर लेते हैं, या बच्चों की तरह वीडियो गेम लेके बैठे हुए वो बोले और मैं क्लिक करूं, खोपड़ी में कुछ है नहीं है, भेजा है नहीं है, है? ये बच्चे होते हैं ना कि सर हमने तो पढ़ लिया, फिर उधर उधर देख रहे हैं, अच्छा चिड़िया बैठी हुई है, अच्छा उसके सिर पे दो बाल खड़े हुए हैं, भैया कुछ करो जीवन में, अब ये जो बचा हुआ टाइम है इसे यूटिलाइज करो। अजीब बेवकूफी है। वो कह रहा स्लाइड लोड ही नहीं हुआ, मान भी रहा है इस बात को, कह रहा स्लाइड लोड नहीं हुआ फिर भी क्लिक कर दिया, क्यों किया भाई? ये तो पागलपन है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कुछ लोगों ने शायद वेट किया बाद में ऑब्जर्व किया, बोल रहा है इफ ए एक्सोर बी इज इक्वल्स टू सी, ये बात किसमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का एग्जॉर करेंगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग आर इनवैलिड, इसमें से कौन कौन इनवैलिड होगा, अगेन आप मुझे बताएं, या तो यहां मैंने टेबल बनाया इसलिए ताकि ऑब्जर्व करके भी आप देख सकते हैं। तो क्या कर सकता हूँ, 0001 1011, और क्योंकि बोल दिया एग्जॉर है तो रिजल्ट आपको पता है, क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो क्या ये फैक्ट है क्या कि ए बी सी का एग्जॉर करेंगे तो वन आएगा? दरअसल ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। वो क्यों, इस बात को ऐसे आपको सोचना चाहिए, मजेदार है, देखिए कभी कभी चीजों के साथ खेलने में आपको मजा आता है। ये ही लिखा हुआ है इसने इज इक्वल्स टू वन, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यस? अब अगर दो बातें सेम हैं और उनका मैं आपस में एग्जॉर करूंगा तो बेटा रिजल्ट वन आएगा कि जीरो आएगा? सेम से एग्जॉर करने पे तो जीरो आता है, तो फिर कोई वन क्यों बोल रहा है, इजेंट इट? तो
तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बट अगेन उसने पूछा इनवैलिड, तो ये बोल रहा है वन, इसका मतलब ये इनवैलिड है। बाकी जहां तक बात ए और बी की है, अभी तो टेबल आपके सामने, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कौन नहीं है, गेट एस्पिरेंट नाम रखा हुआ है सर। आप सी एक बार, अबे अपने, अबे गेट एस्पिरेंट अपने पैर पे खड़ा होना भाई, प्रॉब्लम क्या है? एग्जॉर कैसे काम करता है नहीं समझ आ रहा क्या? बता मुझे, गेट एस्पिरेंट एग्जॉर कैसे काम करते है समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, आ रहा है ना? तो फिर मैं क्या बताऊं इसमें भाई, दिमाग लगा, डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, मैं नहीं जग रहा अगले क्वेश्चन में। ये मत बोल कि सर बताओ, बोल सर एक मिनट रुक जाओ, और पहले से घर पे पढ़ के आना था, ले रुका हुआ हूं, चल फटाफट कर, तीनों को कर एग्जॉर, बता क्या रिजल्ट आएगा। जीरो आएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, तो सही है कि गलत है? गलत है, बता इसमें मैं क्या बताऊं, सोचना भाई, आप समझ रहे हो? एटीट्यूड चेंज करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा करने वाला। हर चीज मैं करूंगा तो आप कैसे करोगे? ये गेट का पेपर है भाई, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि मैं बोल दूं ये पेपर ऐसे छाप आना। इंडिपेंडेंट बनना है, मैं लॉजिक बता सकता हूँ, अप्लाई आपको करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में भी नहीं बनेगा। वहां भी ये याद करोगे, यार सर क्लास में हो जाता था, हो सकता है आपको लगे कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं, रिपीट कर सकते नहीं करते, आपके भले के लिए बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम में नहीं होगा, आपको याद आएगा यार क्लास में होता है, सर से हो जाता है, खुद करते डर लगता है, वो डर आपको निकालना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी आपकी खोपड़ी में घुसा रहेगा। खैर अभी मुझे बताइए, क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे? ओके, ये क्वेश्चन देखिए जरा कौन सा करेंगे, चलिए यही बता दीजिए, गेट 2014 2 मार्क क्वेश्चन है, बहुत साधारण, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्या लिखा है, क्या पूछा है, किस तरह से ब्रैकेट्स इसने लगाए हुए हैं, और फिर कैसे सॉल्व करना है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। अगेन मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार ट्राई किया है होमवर्क के अंदर। अब यहां देख रहे हो, इसने जो जानबूझ के ब्रैकेट बाजी की है, कौन सी बाजी, ब्रैकेट बाजी, पहले पहले इन्हें सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो, फिर ऐसे सॉल्व करो, देन पहले इधर सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो, फिर ऐसे सॉल्व करो। क्या हम इन ब्रैकेट्स को फॉलो करने के लिए कंपेल्ड हैं, मजबूर हैं? नहीं, हमारे पास दो रूल हैं, दो रूल हैं हमारे पास, बताओ कौन से रूल है? हमें पता है, वेरी गुड वेरी गुड सुधांशु, हमें पता है कि भाई एग्जॉर है तो कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, किसको पहले सॉल्व करूं किसको बाद में सॉल्व करूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये हमें क्यों रोक रहा है, ये जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक काम करो, जरा देखो पी कितनी बार आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है, निकाल के एक तरफ रख लो, ये लो, तीन बार पी आया, तीन बार पी लिख लेता हूं। क्यों देखो कितनी बार आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है, तीन बार ही क्यों आया, चलिए तीन बार क्यों लिख लेता हूं। और बताइए वन कितनी बार है, वन सिर्फ एक बार है, जीरो फिर भी सिर्फ एक बार है। क्या इक्वेशन को रिस्ट्रक्चर करने से मैंने कोई नियम कोई रूल तोड़ा? नहीं, पॉइंट ये है कि अगर आपको आइडिया समझ आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब मुझे बताएं, पी को पी से एग्जॉर करेंगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, पूछना मत। अब ये प्रॉपर्टी की बात है, अब ये आइडिया की बात है कि कितनी चीज आप रिकॉल कर पाओ। मैंने बोला था ना छोटे छोटे पॉइंट है बट बाद में काम आएंगे, क्या काम आएंगे भाई, कि अब पी को पी से एग्जॉर करोगे, सेम को सेम से जीरो मिलता है, जीरो को पी से एग्जॉर करोगे दोबारा पी ही मिलेगा।
क्यू को क्यू से एक्सोर करोगे जीरो मिलेगा, जीरो को क्यू से एक्सोर करोगे फिर दोबारा क्यू मिलेगा, वन को जीरो से एक्सोर करोगे वन मिलेगा, अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी पी एक्सोर क्यू एक्सोर वन। किसी भी चीज को जब वन से एक्सोर करते हैं तो क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बात खत्म। चार स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, करेक्ट आंसर है डी। देखिए और शर्त लगा लीजिए इस बात की, अगर आप यहां पर इस फिलॉसफी को नहीं समझ पाए और इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल नहीं किया तो डी मॉर्गन होते होते दिमाग ही डी मॉर्गन बन जाएगा, इतनी बार डी मॉर्गन लगेगा इसमें। और ये दो नंबर देने में, ये दो नंबर देने में गेट वाले 15 मिनट बर्बाद करेंगे आपके, उसके बाद भी गलत किया तो फिर तो माशाल्लाह बात ही कोई नहीं है, और उसके बाद सही किया तो भी जीत कर भी हार जाओगे क्योंकि दो नंबर के क्वेश्चन में 10-15 मिनट थोड़ी लेने थे। अब देखो बात समझ आ रही है क्या? तो डिजिटल भाई गेम ही ऐसा है, डिजिटल के अंदर सिर्फ सही करने के पैसे नहीं है, लेकिन अगर सही आइडिया लगाओगे तो उसको बहुत जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे। बताओ चीजें रिलेट कर पा रहे हो क्या? अच्छा आज की क्लास में कोई नहीं पूछ रहा सर एडिशनल क्वेश्चन कहां से करने हैं, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, ऐसा क्यों? अब नहीं, अभी तो 2 दिन की क्लास हुई है, क्यों नहीं? आप पहले दिन तो बड़ा तहलका मचाया हुआ था, बताओ ना और क्वेश्चन कहां से, इज इट सफिशियंट एनफ? सिर्फ मॉरिस मैनु से नहीं होगा तो कौन सा बुक इस्तेमाल करेगा? क्यों नहीं किया आप तुम बुक इस्तेमाल, बोलो ना मेरे को। तो भाई मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में, बनना चाहते हो, ये दो क्लास साथ साथ फॉलो करते चलो, 7 से 9 मेरा समय है, 1 घंटा सुबह, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, इसका होमवर्क पचाते रहो, मोर देन सफिशियंट है। बात फॉलो कर रहे हो? ये मुश्किल काम है, ये जो बोल रहा है कि आसान, जिसको लग रहा है आसान नहीं, मुश्किल है, और पढ़ के आना और मुश्किल है। क्लास में बैठ के मूवी देख के चले जाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, बिना कॉपी पेन देख के सॉल्व कर रहे हो, पिक्चर है बेटा, एग्जाम में नहीं होना क्वेश्चन सॉल्व तुमसे, ये तय है ना? अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा, होमवर्क करके आना पड़ेगा, 4-5 महीने डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, जिंदगी सुधर जाएगी, एटीट्यूड सुधर जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दिमागदार नहीं चाहिए, दिमागदार नहीं चाहिए, मेहनती चाहिए, जो रोज बैठ के पढ़ सके, हिम्मत वाला चाहिए, जो खुद अकेले क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रखता हो वैसा आदमी चाहिए, उसका होता है सिलेक्शन। यस, ओके, इधर आओ। ये क्या है, क्या है, क्या है? दिसंबर 2015 5 मार्क क्वेश्चन है, इसे जरा ऑब्जर्व करो, देखो क्या ये कहानी सुना रहा है, सुनने लायक है भी कि साधारण क्वेश्चन है, सॉल्व करके आए आप लोग। शुभम कह रहा आप सारे पीडीएफ मर्ज कर दो, गूगल पे सर्च करो हाउ टू मर्ज पीडीएफ, 4 वेबसाइट आएंगी, कर लेना, मुझसे मत करा करो कुछ काम, मेरी उम्र हो गई है भाई। सब काम मैं करूंगा। कंफ्यूज हो गए बी और डी में, ओके। अच्छा मेरे को नहीं बोला, सलाह दे दो, सलाह मत दो इस दुनिया में, लोग मेरी नहीं मान रहे आपकी क्या मानेंगे, सोचो। बिना मांगे सलाह भी नहीं देने का, मैं पैसा ले रखा हूं इसलिए सलाह दे रहा हूं इतनी भी, वरना बिना उसके बोलता तो फिर लोग पागल ही बताते। इधर आ जाइए, तो 25% इधर, 19% इधर, 50% लोगों ने इधर वोट किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या बोल रहा है ये। इसने बोला देखिए, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहा है पहले ए एक्सोर बी इज इक्वल्स टू ए, उसके बाद ए एक्सोर बी इज इक्वल्स टू बी, एंड बी एक्सोर ए इज इक्वल्स टू, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। मजा ही आ गया, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कर दिया, इजंट इट? ये आसान क्वेश्चन नहीं है, और खैर वो आंसर देख के समझ भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। चलिए क्या, एक एक करके शुरू करते हैं। अगर स्टार्टिंग में मैं मान लूं ए और बी,
तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लूं, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 के बाद कलर कोड कर लेता हूं। नाउ दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बी ए का नया वैल्यू क्या होगा? 0 1 1 0। क्या बात फॉलो कर पा रहे हो? स्टेप नंबर 1 के बाद ये पुराना वैल्यू हटा भी देता हूं, बल्कि नया वैल्यू होगा क्योंकि एक्सोर करना था ना, ये नया वैल्यू हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या अप्रोच यूज कर रहा हूं? नाउ स्टेप नंबर 2 में, अब स्टेप नंबर 2 करते हुए मैं ए का पुराना वैल्यू कंसिडर करूंगा कि नया वैल्यू, प्लीज बता दो। ए का पुराना वैल्यू कि नया न्यू वैल्यू यूज करूंगा ना, तो 0 0 पर 0 मिलेगा, 1 1 पे 0 मिलेगा, और बाकी नीचे दोनों जगह 1 मिलेगा। और ये देखिए ए और बी दोनों चेंज हो गए। बात समझ आ रही है क्या? स्टेप नंबर 2 तक पहुंचते पहुंचते ए और बी दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फाइनली स्टेप नंबर 3 बताइए क्या करना है। कह रहा है फिर दोनों ए और बी का वैल्यू यूज करके एक नया वैल्यू लिखो, बट मुझे बताओ स्टेप नंबर 3 में क्या ए और बी दोनों की नई वैल्यू यूज होंगी? क्या ए और बी दोनों की नई वैल्यू यूज होंगी? जी हाँ, नई वैल्यू यूज होंगी। अब नई वैल्यू यूज होंगी तो क्या होगा बताओ? तो यहां पर जनाब 0 0 को करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा, फिर 1 0 पर 1, 1 1 पे 0, और 0 1 पर फिर 1 मिलेगा। ये बात सही है? तो अब फाइनल वैल्यू आपको ए और बी की नजर आ रही है, बताओ ए और बी की फाइनल वैल्यू नजर आ रही है? हाँ आ रही है। क्या स्वैप नहीं हो गया क्या? हाँ हो गया ना। ओरिजिनली ए पे 0 0 1 1 था, वो बी पर पहुंच गया, और बी पे 0 1 0 1 था, वो ए पे पहुंच गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बजाओ ताली। साधारण क्वेश्चन नेट वाले कभी कभार इतनी हिम्मत करते हैं। वाह मजा आ गया, थैंक यू सो मच। नेट वालों की तारीफ करिए, क्योंकि अभी जो लोग नए हैं वो समझेंगे। आमतौर पे ना घटिया क्वेश्चन बनाने के लिए ही जाना जाता है, कभी कभार ही ये इस तरह के अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, नॉट अ गुड क्वेश्चन। अब वो पता नहीं बाद में समझ आए कि कहीं गेट का छाप दिया हो तो अलग बात है, या किसी बुक से उठा के रखा हो, बट क्वेश्चन अच्छा है। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? वाह वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी क्लियर है? ये कैसे पता चला कि अपडेट करना? बेटा इंस्ट्रक्शन कॉमा लगा के लिख रहा है ना, सीक्वेंस लिखा है, इसने लिखा क्वेश्चन पढ़ा मैंने। कौन पूछ रहा है कैसे पता लगा? ऋषभ राज मेरे मेरे मित्र, मेरे दुश्मन कह रहे हैं कैसे पता लगा? बेटा क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने की विद्या पढ़ने से पता लगता है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मैंने सीक्वेंस पढ़ा फिर पूछा है। कल को कोई जाके बोलेगा ऋषभ यहाँ साइन कर दो, साइन कर दोगे, बाद में पता लगा आपकी वसीयत अपने नाम करा ली। जज पूछेगा कैसे पता लगा, फिर बताना कैसे पता लगा, क्योंकि आपने तो बिना बिना पढ़े साइन कर दिया। डाइवोर्स नहीं हो सकता, डाइवोर्स होने के लिए शादी होना जरूरी है, याल रहे तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पढ़ने की विद्या है, क्वेश्चन पढ़िए। मैं हर क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ यार, ये आपको नहीं बताया, हमें तो चौथी पांचवी क्लास में बता दिया था। हमें बताया था स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 गिवन डेटा लिखते हैं, स्टेप नंबर 3 रिक्वायर्ड डेटा लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नहीं किया आपने, बताओ। चौथी क्लास में सिखाते हैं बच्चों को ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर लिखो क्या डेटा गिवन है। अच्छा छोड़ो, हिंदी तो पढ़ी होगी, हिंदी में कहानी में पूछा बताओ सोहन ने मोहन को क्यों मारा? हमें नहीं पता क्यों मारा, इतना तो लिखोगे सोहन ने मोहन को इसलिए मारा क्योंकि, पहली लाइन तो लिखोगे ना, आगे फिर कुछ भी अगड़ गबड़ कर दो। सोहन ने मोहन को इसलिए मारा क्योंकि, अब ये कौन लिख पाएगा? जो भाई वो क्वेश्चन पढ़े, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं कैसे बता दूं कैसे हल करोगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए जरा इधर आ जाइए, ये बताइए अब इस पर तो पता नहीं पोल चलाना भी चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। ऑब्जर्व करिए, ये तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव विच इज नॉट एसोसिएटिव, उस कनेक्टिव, अच्छा कभी कभी ऑपरेटर को प्यार से कुछ लोग कनेक्टिव बोल देते हैं, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। खैर वो तो सारे ऑप्शन ही ऐसे हैं तो मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए। इसमें से कौन है जो
एसोसिएटिव नहीं है, एंड है, और है, एक्सोर है, अभी प्रूफ किया है, तो ऑब्वियसली लोगों को कहना है नैंड। ये लीजिए, मेरा तो मार्कर ही मर गया, बट खुशी की बात है इस क्लास में वो कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने 1% का कहना है कि एंड एसोसिएटिव नहीं है, 2% का कहना है कि और नहीं है, और 9% का कहना है कि एक्सोर नहीं है, है ना। अच्छा, मजे की बात क्या है, जब तक पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, तो समाज में अपना पॉइंट रखने के लिए आपको या तो कुछ लिखना होता था या तो बोलना होता था, नहीं। अब ये वो लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी आवाज पूरी रखते होंगे, विपक्ष को ये करना चाहिए, मोदी को ये करना चाहिए, अमेरिका का आजकल राष्ट्रपति कौन है भाई, जो बाइडेन को ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री ये गलत कर रहा है, सड़क का गड्ढा भरो, ये वो लोग हैं जिन्हें इतना पढ़ने के बाद ये नहीं समझ आ रहा कि कौन एसोसिएटिव है कौन नहीं है। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो? और मजे की बात, इन लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, इन्हें हल्के में मत लेना। ये लोग वोट देते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। मजेदार बात है, बहुत शानदार। इन्हें सड़क पार करनी हो तो सहारा चाहिए, किस आदमी का, गिर जाएंगे रास्ते में, कुछ समझ नहीं आता। चलो खैर, मैं तो देखिए आलोचना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा क्या करूं। ये बताइए, ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्सोर लगा दिए, सॉल्व किया इस वाले को। तो क्या फिर दोबारा एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम आएगी आपके? बी है। चलिए, क्या करूं, इकट्ठा करना शुरू करूं, लर्निंग है पुरानी काम आएगी। कितनी बार ए आया है, एक बार, दो बार, दो ही बार है, ठीक है, तो ए एक्सोर ए लिख लेता हूं। उसके बाद अगला ऑपरेटर पी है, पी कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पी आया है। अच्छा, ये तो मैंने इस पे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पी आया है। चलिए इसको ऐसे भर देता हूं। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, बी है, एक, दो, तीन, तीन बार बी हमारे पास है, एक, दो और तीन। फॉलो कर पा रहे हैं? मारना शुरू करिए, सेम को सेम से एक्सोर करेंगे, जीरो मिलेगा, पी को पी से करेंगे, जीरो मिलेगा, इस पी को इस पी से करेंगे, जीरो मिलेगा, इस बी को इस बी से करेंगे, जीरो मिलेगा, जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से, जीरो को बी से एक्सोर करेंगे, बी मिलेगा। अर्गम निरपामति स्वाहा, बी सही आंसर है। अब बताओ, 15 सेकंड नहीं लगेगा अगर प्रॉपर्टी पकड़ लिए तो। बात समझ आ रही है क्या? अगर प्रॉपर्टी पकड़ लिए भाई, 15 सेकंड नहीं लगेगा, वरना जैसे मैं बता रहा हूं, डी मॉर्गन आपको डी मॉर्गन बना देगा, बार लगाते लगाते पागल हो जाइएगा, नहीं कर सकते इसको सॉल्व। गलत बोल रहा हूं क्या? इतनी बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि बस गड़बड़ आ जाएंगे मामला, ठीक है। एक्सोर के सौतेले भाई का नाम बताओ, एक्सोर का सौतेला भाई जो उसकी सारी संपत्ति उससे हड़प लेना चाहता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सोर, जिसके वो दर्शन पहले हो गए थे, होने नहीं थे, तो ये एक्सोर ही है। बस ये कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं आगे बबल बना दूंगा, बबल बना दूंगा। हालांकि वो अलग बात है, डिजिटल में देखिए, ये बात मेरे दिल के बड़ी करीब है। आप लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाइएगा, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? चलो भी देख लेते हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते जाएगा आप समझेंगे, ये वैसे साधारण काम कर रहा है। ये क्या कह रहा है, अगर सेम होगा तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो पे वन मिलेगा, वन वन पे भी वन मिलेगा, डिफरेंट पे जीरो मिलेगा, है ना। हालांकि इस सब्जेक्ट में उसको एक्सनॉर पढ़ाया जाता है एक तरीके से, क्या ये विलन की भूमिका में है?
अगर मैं आपको श्राप दे दूं, बोलूं बताओ एक्सोर बनोगे कि एक्सनोर बनोगे, आप बोलोगे एक्सोर बनाना सर, एक्सनोर मत बनाना, जबकि ये ज्यादा लॉजिकल काम कर रहा है। ये कह रहा है सेम है तो वन दूंगा, डिफरेंट है तो जीरो दूंगा, बट वो पॉइंट है एप्लीकेशन का कि हमारे ज्यादा काम कौन आ रहा होता है डिजिटल में। आगे आप देखिएगा, हमारे ज्यादा काम आता है एक्सोर, इसलिए उसे हम हीरो मानते हैं। हमारे ज्यादा काम आएगा एक्सोर, इसलिए उसको हीरो मानते हैं। खैर, एक्सनोर का आइडिया क्या है, फॉलो कर पा रहे हैं, सिंबल क्या देख पा रहे हैं? तो एक सर्किल बनाना है, बीच में डॉट लगाना है, ये बन गया एक्स और एक्स नॉर। प्रॉपर्टी क्या है, ए बार बी बार एंड ए बी। बात समझ आ रही है सभी को? ए बार बी बार ए बी। अच्छा, अगेन ये जो डेफिनेशन है, कह रहा है भाई साहब अगर दोनों हाई होगा, अगर दोनों वैल्यू सेम होगा, ये डेफिनेशन टू इनपुट पे लगता है, ये तो टू इनपुट गेट की बात है। अगेन जैसे हमने एग्जॉर में किया था, अगर उस डेफिनेशन को मैं जनरलाइज करने की यहां कोशिश करूंगा तो इस बार मैं कैसे करूंगा? कैप्टन अमेरिका हो या चले गए, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा, कुछ तो कमेंट करो। मन में अजीब सी गुदगुदी हो रही है। कैप्टन अमेरिका कहां हो तुम? कहीं समाज को जरूरत तो नहीं पड़ गई? अच्छा ठीक है, पढ़ रहे हो ना, अब आप मेरे दिल के करीब हो, मुझे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा चला ना गया हो कैप्टन अमेरिका। अमेरिका मत चले जाना, पढ़ने के बाद जाना। ठीक है, बताओ जरा एक्सनोर एक्सनोर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द नंबर ऑफ इनपुट लोज आर इवन, नंबर ऑफ इनपुट लो आर इवन, यानी कि इस बार ये जीरो पर खेल रहा है कि वन पे खेल रहा है, बताओ? ये खेल रहा है जीरो पे, और बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो भी ऑड या इवन? ये बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो भी इवन होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो भी इवन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ यहां पर कितना है? यहां पर तीन है, जीरो मिलेगा, दो पे वन मिलेगा, यहां पे दो है तो वन मिलेगा, एक है जीरो मिलेगा, दो है वन मिलेगा, एक है जीरो मिलेगा, एक है जीरो मिलेगा, जीरो है तो वन मिलेगा। जरा बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यही टेबल बन रहा है क्या? 0 1 1 0 1 0 0 1। हाँ मैं रुक गया, मैं रुक गया। पढ़ के अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं, बताओ जरा, पढ़ के अमेरिका जाने का कि नहीं जाने का? अच्छा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं जाना है। मैं इस पर पोल करा लेता हूं, जो जाना चाहते हैं, हु वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका, एंड लेट मी से हु डू नॉट वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। मैं जरा देखना चाहता हूँ एक बार हमारी क्लास में किस किस्म के लोग पढ़ रहे हैं। क्या बात है, तो जो जाने वाले थे वो खुलेआम अपना पॉइंट नहीं रखना चाह रहे थे। अबे घूमने नहीं, नौकरी करने की बात कर रहा हूं, फाइनल काम करने। 54% बोल रहे हैं, 46% बोल रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग देशभक्त हैं, जो कि आप में से सभी हैं, या तो देश में रह के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, है ना, तो दो शर्त मैं आपको देता हूं, जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आपको क्या लग रहा है आपके रुकने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? जाओ बिंदास जाओ, लेकिन लेकिन कुछ समय के अंदर अपने मामा मौसी ताऊ चाचा चाचा चाची मामा मामी सबके बच्चों को वहीं बुला लेना, सबका सबका सेटलमेंट कराओ, सबकी नौकरियां लगवाओ, इंडियन डायस्पोरा बड़ा कर दो, बस सबसे बोलो डॉलर कमाने का वापस भेजने का, डॉलर कमाने का वापस भेजने का, बस। धीरे धीरे ये हो रहा है, अमेरिका वाले भूल जाएंगे कि हम इंडिया जाएं या ये इंडिया है या अमेरिका, ये क्या चक्कर क्या हो रहा है, समझ रहे हो? हम लोग जाते हैं वापस नहीं आते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, बस। सही है ना? दिस इज नेक्स्ट लेवल वॉर, ये बंदूक से नहीं लड़ रहे हम, ये वहां रह के लड़ रहे हैं। मैं आऊंगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, ऐसा। तो जाने का तो अपने साथ 10-20 को और लेके जाने का, ठीक है?
अब उसके बाद इतना तो आपको करना ही है, कल को किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पे बैठोगे, कोई भारतीय कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको थोड़ा यू नो इतना तो बनता है, इतना नहीं करिएगा तो क्या करिएगा। बस चलिए, खैर तो ये वैल्यू फॉलो कर पा रहे हैं क्या, एक बार याद कर लो, भूल मत जाना। एग्जॉर ऑड देखता है कि इवन देखता है। मेरी जो बाइडन से आजकल कम बात हो रही है बिकॉज मैं काफी बिजी रहता हूं। एग्जॉर ऑड देखता है, जीरो को या वन को? एग्जॉर किसका ऑड देखता है, जीरो का या वन का? वन का ऑड देखता है, भूलिएगा मत। और एक्सनॉर, एक्सनॉर 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 इवन देखता है बट जीरो का इवन देखता है। बहुत बढ़िया, यस यस, वेरी गुड। ये जरा भर के बता दो, फिल इन द ब्लैंक है। रील बनाने में बिजी हूं, हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, यू नो क्या क्या वैल्यू लिखूं। ए को ए से, ए को जीरो से, ए को वन से, ए को ए बार से। बताओ जल्दी से, भस्म कर दो इन सब क्वेश्चंस को। आप सब लोग बहादुर लोग हो, ऐसा लूजर की तरह नहीं खेलना है। धन्यवाद भाई। अभी तो पढ़ाई की दुकान चल रही है, मान लीजिए कल आप पढ़ने से मना कर दें, कम से कम कहीं इधर उधर जाके कहीं यू नो कुछ और ट्राई करूंगा जीवन में। ए बार, ए वन और जीरो, ज्यादातर तो लोग को सेम वैल्यू समझ आ रहा है। ठीक है, इसको अगर ऑब्जर्व कर लें तो। वैसे आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस कुछ लगाओ, एग्जॉर है तो एग्जॉर से सेम काम करेगा कि उल्टा काम करेगा? मैं पूरा सॉल्व करूं के बाद समझोगे, उल्टा काम करेगा ना। तो अगर वो जीरो पे बफर था तो ये बालक कॉम्प्लीमेंट करेगा, और अगर वो वन पे कॉम्प्लीमेंट था तो ये बालक सेम रखेगा। इजंट इट कॉमन सेंस, सोचो ना। वैसे आप बोलो तो मैं पूरा फॉर्मूला रख के भी सॉल्व करूंगा, बट कुछ बातें अभी आपको बाजीराव की तरह करनी है, चीते से भी तेज। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड नाउ दिस इज लाइक डॉट वन, तो यू विल गेट ए बार, यस यू गेट द कॉम्प्लीमेंट हियर। इधर करिएगा ए वन एंड ए वन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये मर जाएगा, इधर ए बचेगा, सो दिस टाइम यू गेट द सेम वैल्यू। इधर बताओ जरा, ये तो बिहेवियर ही पता है, अगर सेम पे करते हैं एक्स नॉर तो क्या मिलता है जनाब? तो वन मिलता है, वन मिलता है, और डिफरेंट पे करते हैं तो जीरो मिलता है। ये एक्सोर एक्सनोर आपके सपनों में आने चाहिए, एक्सोर एक्सनोर आपके सपनों में आने चाहिए। इनको इतना पढ़ लो, इनका इतना फॉलो कर लो। और जिस तरह एंड और सेम खानदान के दो बच्चे थे, जिस तरह नैंड नॉर सेम फैमिली के थे, क्या एक्सनोर और एक्सनोर के भी नाम से समझ आता है कि ये भी कहीं ना कहीं सेम फैमिली के हैं? तो मुझे बताओ, प्रॉपर्टी दोबारा प्रूफ करने की जरूरत है क्या? सौतेले हैं बट कहीं ना कहीं सेम परिवार के, तो प्रॉपर्टी दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आइटम इंपॉर्टेंट नहीं था तो ये भी आइटम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और अगर वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव था तो ये भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होगा। कल आप मेरे सपने में भी पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया, और ये ईमानदारी की बात है, मैं भी अपने सपने में पढ़ा रहा होता हूँ कभी कभी। मेरे घर वाले कहते तो सो जा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। है ना, और वो इस तरह से बात करने का, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मम्मी बोल रहे खाने में क्या बनाए, मैंने कहा राजमा बना लो, फिर पता नहीं मन से अंदर से आवाज आती है, पूछता हूँ क्या समझ आया कि नहीं आया, कहती रैपट इतनी जोर से मारूंगी मुंह घूम जाएगा। आदत हो जाती है ना, आप समझ रहे हैं, टीचर को ऐसे थोड़ी लोग सनकी पागल कहते हैं, क्रैक हो जाते हैं कुछ समय के बाद। आज तो मदर्स डे भी है, ये बात सही है। अभी भी मम्मी बनाती, मम्मी से तो बनवाया जाता है, मम्मी मम्मी का तो प्रेम है। कोई ऐसी उम्र, कोई ऐसी स्थिति थी जब मम्मी बोले कि मैं नहीं बनाऊंगी, मम्मी से ही बनवाना है।
मुझे अनब्लॉक कर दो। देखो मैं टेलीग्राम ग्रुप में हैंडल नहीं करता, मैं टीम की बात करता हूँ। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा कांटेक्ट, कल मुझे याद दिलाना। करने की विद्या करने से होता, चलिए जरा ये बताइए। और यहाँ ऑपरेटर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2013 का, जरा ऑब्जर्व करो। ओके, इसको एक बार ऑब्जर्व करो। ये भाई आजकल लाइट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अभी क्लियर है क्या? आप में से दिल्ली में कोई और है क्या? मौसम कैसा है बताओ मुझे जरा, दिल्ली के आसपास बारिश हो रही है तो बिजली विभाग को पहले दिक्कत हो जाती है, पर चलिए कोई बात नहीं। 76% ऑलवेज ट्रू, क्या बोल रहा है ये ऑपरेशन? देखो, 1 1 पे 1 मिला, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 1। क्या इतनी खुशबू आने के बाद आप बता सकते हैं एस कौन है? इतना तो बता सकते, भी प्रॉपर्टी है एक्स और कोई नहीं, एक्स एक्स नॉर है। एस जो है वो कौन है? वो है एस नॉर है। व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस? ये तो मेरे ख्याल से यहां पर किसकी बात कर रहा है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो समटाइम ट्रू क्या ऑलवेज ट्रू? अब देखिए इसने दो पार्ट काम यहाँ पे करा है, कौन से दो काम कराए बताओ? हालांकि और ज्यादा लोग सही आंसर कर सकते थे। पहला तो ये पहचान लेना कि ये कौन सा गेट है, यस और नो, ये पहचान लेना कौन सा गेट है। दूसरा, पहचानने के बाद ये याद रखना कि एक्सनॉर एसोसिएटिव होता है। और इतने सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, तब आप मुझे बताइए ये ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हो? अभी मुझे कन्विंस करने की जरूरत है कि फंडामेंटल लॉजिक गेट्स पर भी पकड़ बनाना कितना जरूरी है। समटाइम्स यू कैन गेट वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ये तो फ्री के क्वेश्चन है, अगर ये छूट गए तो फिर बड़े दुख की बात है, इजंट इट? ये देखिए गेट 2007 का 1 मार्क क्वेश्चन है, जरा इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। आई होप आपने ट्राई किया हो। एक कनेक्टिव है स्टार, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है और जेड बताया हुआ है, सेम तरह का लॉजिक है। मैंने टेबल भी बनाने की कोशिश की है। हाँ भाई, सबसे पहले तो बताओ, भले ही इसको स्टार बोलता रहे, ये डेफिनेशन देख के दिमाग में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली एक्स नॉर की बात हो रही है। और फिर ये कह रहा है कि एक्स और वाई का जो एक्स नॉर है वो है जेड। तो अब कम से कम फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये टेबल भरने जितना नॉलेज तो अपने पास है, तो क्या करूं? 1 0 0 1। हाँ, मैंने टेबल में भी बना दिया, ये बात ठीक है, बट खैर अब तो आप ऑब्जर्व कर ही पा रहे हैं। अब ये तीनों वैल्यू के बाद ये एक्स वाई की कुछ अलग अलग वैल्यू पे बात कर रहा है। अब फिर दोबारा देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पूछ रहा है इस बार। अच्छा, ये असाइनमेंट है कि कंपैरिजन है इस बार? ये वो नेट वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये सिर्फ आपसे कुछ बातें पूछ रहा है इस बार, कंपैरिजन है। तो कह रहा है अगर वाई और जेड का एक्स नॉर करें, यही वाली जो डेफिनेशन है, तो एक्स के इक्वल आएगा, सही बात है क्या? आप देखो ना, 0 1 डिफरेंट पे 0, डिफरेंट पे 0, दोनों सेम पे 1 1 आ रहा है, मैच हो रहा है क्या भाई? मैं सिर्फ क्लास के टॉप 5% बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। ये फॉलो कर पा रहे ना आइडिया, हर कोई बताए। मयंक, मयंक कहाँ गए?
वाई और जेड का जब मैं एक्सनॉर कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? एक्स आ रहा है, मैच हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एक्स और जेड पे देखिए, 1 0 पे 0, 0 0 पे 1, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। भाई थंडरिंग सुनाई दे रही है क्या आपको? ठीक है, ये भी काम कर रहा है। और जब तीनों का एक्सनॉर कीजिएगा, तीनों का एक्सनॉर करेंगे तो 1 आएगा, ये बात मैच हो रही है। अब ये एक्सनॉर पे क्या देखते हैं जल्दी से बताइए। 3 इनपुट हो गया, 0 देखिए इवन है क्या? 0 इवन है, जी हाँ। 0 इवन है, जी हाँ। 0 इवन है, जी हाँ। 0 नहीं है तो 0 है मतलब इवन है, हाँ। चारों बार 1 मिलेगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। आप सब्स्टिट्यूट करके करो, डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, टेबल बनाओ। अब ये चीजें धीरे धीरे विजडम के साथ पैदा होंगी, जिस तरह मैथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, इजंट इट? मैं करवाना क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपके सोचने का तरीका डेवलप नहीं होगा। यस, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी एग्जाम में एक या दो ही वैकेंसी निकलती है, बच्चा पूछता है कि सर इसको देके आए कि नहीं देके आए, इजंट इट? दो तीन ही वैकेंसी है, फॉर्म भरेंगे, इंडिया लेवल पे सिर्फ दो तीन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं पूछता हूँ, आपको उस एग्जाम का नाम पता है जिसमें 100% आपका हो जाएगा? नहीं पता। तो हर एग्जाम देना क्यों जरूरी है? हर एग्जाम देना जरूरी है ताकि उससे एक्सपीरियंस आए, इजंट इट? उससे एक्सपीरियंस आए, कम से कम ये तो पता लगे क्या गलती की आपने, क्योंकि ये नहीं पता कि दाल एक्चुअली कहाँ गलेगी, है ना? देखने में बहुत अच्छी लग रही है, कभी कभी मुस्कुरा भी देती है, फिर भी बोलने में डर लग रहा है, क्या पता नाराज हो जाए, होता है ना भाई? मना भी किया तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, नहीं? इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बात नहीं, ट्वेल्थ क्लास के बाद कॉलेज में जाके पता सबसे ज्यादा कौन से बच्चे बिगड़ते हैं? कॉलेज में जाके सबसे ज्यादा कौन बिगड़ता है? जो 12th तक सबसे सीधे रहे होते हैं, जो चूजे बन के घर में रहते हैं, वही जाके विकराल रूप धारण करते हैं कॉलेज में, क्योंकि उनको सही गलत का भेद पता नहीं है, है ना? और जो 10वीं 12वीं में जिन्होंने सारे काम कर लिए ना, उन्हें मोक्ष हो चुका होता है, वो कहते हैं ये सब हम कर चुके हैं, इसी वजह से इस कॉलेज में पहुंचे हैं, तो अब हमें जीवन की सच्चाई का आभास है, तो कृपया हमें अपना काम करने दें। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, वो ज्ञान छोटी उम्र में ले चुके हैं, वो उन्हें पता है सबसे क्या होगा। चलिए खैर, तो अब ये बात भी क्वेश्चन पर भी लागू है भैया, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सपीरियंस लो, तब तो कुछ बात समझ आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तो आगे बढ़ने की जगह ही नहीं बची। अच्छा, ये आ गया, ये मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन कराने की कोशिश की है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं। ठीक है अभी, ठीक है अभी, कह रहा है ये बीटेक वाले, इनको बोल दो इनको नहलाना है आज, ये नहाया नहीं है, 1 साल हो गया इनको। चलिए, एक तरफ एक्सोर है, एक तरफ एक्सनॉर है, जरा दोनों तरफ भरना हो जल्दी से वैल्यू। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? क्या क्या वैल्यू आ रही? इधर क्या आएगा? 0, ये तो हम कई बार भर भी चुके हैं टेबल ना, 0 1 1 0 1, 0 0 1। इधर क्या है? 0 1 1 0 1 0 0 1। ये कुछ अजीब नहीं है, ये तो सौतेले भाई थे, ये तो सौतेले भाई थे। एक्सनॉर और एक्सनॉर हैव कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर, यस और नो? एक्सनॉर एंड एक्सनॉर हैव कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर, ये बात सही है कि नहीं? ये अलग से ऑब्जर्वेशन कराता हूं मैं हमेशा क्लास में इस बात को याद दिलाने के लिए। आधे बच्चे क्या करते हैं, इधर भर देते हैं, बात का खुद ही कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मन में सोचते हैं सर को क्या पता अपन ने सॉल्व नहीं किया, इधर 0 आएगा तो इधर तो 1 ही आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, ऐसा। बट जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा भाई दोनों कॉलम सेम आ रहा है। अब इस बात का मतलब समझिए क्या है, दोनों सौतेले हैं लेकिन, सौतेले हैं लेकिन
लेकिन भाई है, सौतेले भाई नाम था ना इनका, सौतेले हैं लेकिन भाई हैं, तो भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसका मतलब ऑपरेंड की बात कर रहे थे। अगर मैं ए एक्स और बी को इक्वेट करूंगा ए एक्स और बी से, तो का मैच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बट अगर नंबर ऑफ इनपुट ऑपरेंड थ्री कर दिए जाए, तो क्या इस बार बात बन जाएगी? जी हाँ, इस बार बात बन जाएगी, अगर मैं नंबर ऑफ इनपुट ऑपरेंड फोर कर दूं, एक और लगाए देता हूं, इस बार बात नहीं बनेगी। अब पांच मत लिखवा लेना, बात समझ गए होंगे आप। नंबर ऑफ इनपुट ऑपरेंड अगर ऑड होंगे तो मैच होगा, इवन होंगे तो मैच नहीं होगा। देखने का नजरिया जरा देखिए, कोई भी एक रैंडम वैल्यू इधर देख लेते हैं। एक्सोर क्या देखता है? एक्सोर देखता है वन ऑड है कि नहीं है। हाँ वन ऑड है तो वन भर दिया। एक्सनोर देखता है कि जीरो इवन है कि नहीं है। हाँ जीरो इवन है तो वन भर दिया। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन यहां पर रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना। क्या ये कंक्लूजन याद रखिएगा, रख पाएंगे कि नहीं? अभी तो इनके बहुत सारे रिश्ते हमें इन्वेस्टिगेट करने हैं, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। अब ये देखिए जरा, ये देखिए और इधर आ जाइए। काफी सारे फिल इन द ब्लैंक आपको नजर आ रहे होंगे। एक मिनट प्लीज। ठीक है, एक मिनट दे दिया मैंने। अच्छा मैं बता रहा हूं कि मेरा डेस्कटॉप बड़ी पावर कंज्यूम करता है, अभी यूपीएस पे चल रहा है। अगर 5-10 मिनट के अंदर लाइट आई तो ठीक है, वरना ये डप हो जाएगा। अगर ये डप हुआ तो मुझे 2 मिनट लगेंगी लैपटॉप स्टार्ट करने में, तो भगिएगा मत, क्लास होती है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 2 मिनट का गैप आएगा बीच में। ओके ओके, हाँ भाई बात समझ आ रही है, क्लियर है पॉइंट अभी? ओके अब मैं आ गया इधर, ये आ गया इधर, फेयर इनफ। अब देखिए यहाँ पे क्या आइडिया है। नहीं कोई बात नहीं, रिस्क खेल लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, बाद में देखेंगे। जैसे पाकिस्तान करता है, लोन लेता है, लोन ज्यादा हो जाता है, लोन उतारने के लिए और लोन लेता है, फिर हो जाता है, फिर उसका ब्याज हो जाता है, फिर उतारने के लिए और लोन लेता है। अभी ऐसा कर रहे हैं अपन। विल डू डू विल कीप रिपीटिंग द आइडिया, बाद में देखते हैं क्या होगा। ऐसा इमरान खान कहता है ना, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। उसका कोई भी स्पीच सुनो, वो पहला स्टेटमेंट बोलता है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे ओके, नाउ लुक एट दिस, ए एक्सोर बी, नोट कर पा रहे हैं आप? अच्छा यहां पर ए फिल इन द ब्लैंक मैंने लिखा है और टोटल पे लगा है कॉम्प्लीमेंट। आपकी रजामंदी से क्या मैं यहां एक्सनॉर लिख दूं, इफ यू अलाउ मी? ये तो आपको पता है ना कि अगर एक्सोर का, पहले एक्सोर बना लेता हूं फिर उसको परेशान करते रहेंगे, अगर एक्सोर का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एक्सनॉर, या एक्सनॉर का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एक्सॉर। तो ये इक्वेशन तो मैच करेगी, है ना? बट क्या सिर्फ आउटपुट कॉम्प्लीमेंट से फर्क पड़ रहा है? पूछना या समझाना ये चाहता हूं, क्या इधर भी मैं एक्सनॉर भर सकता हूं? हाँ समझिए इस बात को। तो अगर एक्सनॉर का आउटपुट नहीं, मैं एक इनपुट, एक दोनों या एक 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 इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा वही मिल जाएगा, है ना? अब यहां देखो जरा, ओवरऑल कितनी बार कॉम्प्लीमेंट किया, कंक्लूजन समझाता हूं। ओवरऑल कितनी बार कॉम्प्लीमेंट किया? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार मतलब नेचर सेम के डिफरेंट, 3 बार मतलब नेचर डिफरेंट, सेम नहीं डिफरेंट, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इधर कितनी बार किया? इधर 2 बार किया। 2 बार किया तो नेचर सेम, तो इधर भी एक्सोर भर दो। इधर कितनी बार किया? 1 बार अंदर 1 बार बाहर, इवन टाइम्स किया, इधर भी सेम भर दो। इधर कितनी बार किया? इधर भी इवन टाइम्स किया, इधर भी सेम भर दो। अभी समझाता हूं आपको, ये देखिए जरा, ये देखिए, अभी आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, कपाल खुलेगा और आसमान से एक रोशनी आएगी और आपको ज्ञान हो जाएगा। ये देखिए,
ये कौन सा गेट आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा गेट नजर आ रहा है, दिस इज एक्सोर। फॉलो कर पा रहे? ठीक है, एक्सोर है तो इसका डेफिनेशन भी पूरा लिखे लेता हूं। एक्सोर है ए बार बी एंड ए बी बार। फॉलो कर पा रहे? दिस इज एक्सोर। अब अगर मैं इधर बबल लगा दूं, बबल मतलब मैंने याद दिलाया था ना आपको, ट्रायंगल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बबल लगा दे रहा हूं, बबल मतलब कॉम्प्लीमेंट। तब सोचिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जहां ए है वहां एक बार और बार आ जाएगा। सही बात है क्या? अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी ए बी और ये बन जाएगी ए बार बी बार। ये तो साक्षात एक्स नॉर है, ये तो साक्षात एक्स नॉर दर्शन दे रहे हैं। तो अब क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक्सोर का अगर एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो एक्स नॉर की तरह बिहेव करता है। एक्सोर का अगर एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो एक्स नॉर की तरह बिहेव करता है। तो आपकी जमानत पे अब यहां एक्सोर का सिंबल भर दूं, सोचिए है ना, एक्सोर का अगर एक कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो एक्स नॉर बन जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पहले से पता है, दूसरा करके दिखाऊं जरूरी थोड़े ही है, ये बात बी पर भी लागू होती है नहीं? हाँ, सवाल ये है अगर दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट होंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा? अगर दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट होंगे तो क्या होगा, तो बी पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। अभी ये बचेगा, ये डबल बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जहां से चली थी गाड़ी वहीं आके रुक जाएगी। अब ये कंक्लूजन समझ आया क्या, जो कुछ लोग शायद पहले जल्दी में नहीं समझ पा रहे थे, है ना? तो इस बात को शॉर्टकट में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे करिए, अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि नेचर चेंज होगा, ऐसा लिख देता हूं, नेचर चेंज होगा। दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नेचर सेम हो जाएगा। तीन बार करेंगे फिर चेंज होगा, चार बार करेंगे सेम हो जाएगा, लाइक दिस, ऑड और इवन की कहानी है। अब भर लो फिल इन द ब्लैंक, देखो जरा कितनी बार कॉम्प्लीमेंट हुआ है, टोटल एक बार। इधर इधर एक्स नॉर है तो इधर एक्सोर आएगा, इधर तीन बार हुआ है, इधर एक्स नॉर है तो इधर एक्सोर आएगा, इधर लास्ट में दो दो बार हुआ है तो नेचर सेम रहेगा, एक्स नॉर एक्स नॉर एक्स नॉर। घोल के पी जाना है इसको, गरम काढ़ा बनाना है, पी जाना है। एक्सोर एक्सनॉर पे इतनी मेहनत कर देनी है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से डर जाए, ये कितना बढ़ के आ गया है। आपस का रिलेशन, इंडिपेंडेंट आइडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, सब पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखिए बड़े कायदे से मैं लेके चल रहा हूं, पहले हमने एक्सोर पढ़ा, उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्सनॉर पढ़ा उस पर किए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछेगा। ए और देखिए जब आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ए और फिल इन द ब्लैंक बी पर, अब ये टोटल कॉम्प्लीमेंट, एक ही बार कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, एक ही बार हुआ क्योंकि नेचर आप चेंज कर रहे हैं, ऐसा। और अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, करने की विद्या है तो कैसे करिए, किसी को भी क्रॉस चेक कर लीजिए, इसके लिए डायग्राम बनाइए, देखिए सरजू बोल रहा है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये जितने भी इक्वेशन है क्या आप किसी को भी क्रॉस चेक कर सकते हो? भाई एक्सोर का इक्वेशन आपको पता है, एक्सनॉर का इक्वेशन आपको पता है, वैल्यू भर लो, डायग्राम बनाओ, चेक कर लो, प्रॉब्लम क्या है। यस दिस इज वैलिड फॉर टू इनपुट, यस। एक काम करता हूं ना, मैं समझाता हूं ये कैसे परेशान करते हैं आपको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको, कैसे परेशान करेंगे ये आपको। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखिए बहुत खूबसूरत, साधारण, बट इसे साधारण समझना बहुत बड़ी गलती होगा। ऑब्जर्व करिए, 2011 एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी पे प्रॉपर्टी है, उसी पे प्रॉपर्टी है। करिए ऑब्जर्व, बताइए कैसे करेंगे।
ये क्या है, बचपन में हम बोलते थे ना, कोई बोलता था ये क्या है, तो बोलते तेरी सास का भी आया ऐसे। टाइम कम है, टाइम में बढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो, समझने की विद्या है ना, ये प्राकृत में लिखा है ना पारसी में लिखा है, साधारण भाषा है, डायग्राम ऐसा है जो समझ आएगा, समझ लो, मैं टाइम बढ़ाते जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। सर हार्ड है, सर तो बहुत हार्ड है भाई, बट क्वेश्चन आसान है, सर हार्ड इच है, टेंशन मत ले, क्वेश्चन पढ़। प्राकृत कौन सी लैंग्वेज होती है? संस्कृत की पेरेंट लैंग्वेज, जिससे संस्कृत बनी है, देव भाषा प्राकृत। अभी उसके ऊपर मैं स्पेशल क्लास चलाने वाला हूं एक दिन। अरेबिक भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आपको अरेबिक आती है साहिल? अगर आपको नहीं आती तो फिर आसानी से पढ़ा दूंगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा देखिए जरा, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन छोड़ दो, मैं तो आपको पहचानना सिखाना चाहता हूं, ये कौन है, इसका नाम बताओ, ये कौन है? ये है एग्जॉर। क्या एग्जॉर का कॉम्प्लीमेंट होते नजर आ रहा है? हाँ, एग्जॉर का सिंगल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो बनेगा एक्सनॉर, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये है एक्सोर, एक्सोर का एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे ये बनेगा एक्सनॉर, एक्सनॉर का फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे ये फिर बन जाएगा एक्सोर, एक्सोर का फिर कॉम्प्लीमेंट करोगे ये फिर बन जाएगा एक्सनॉर। ये है एक्सोर, एक्सोर का एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे ये बनेगा एक्सनॉर, ये एक्सनॉर है, ये एक्सनॉर है, ये एक्सनॉर है। सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल में लिखा है, कोई ये ना कह दे कि नजर नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू टू इनपुट एक्सनॉर गेट, इसमें से कौन एक्सनॉर नहीं है? तो भाई साहब यही है जिनकी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी है, ये तो साक्षात दर्शन दे रहा है, क्यों ही मैं सॉल्व करके देखूं इसको? क्या डी को इवेल्युएट करना जरूरी है? क्या समय बहुत कम है, जहां जरूरी होगा वहां खर्चा करेंगे? ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होता है, प्रॉपर्टी पे आंसर करना है, जो प्रॉपर्टी भी आपको समझा रहा था देखो उसी पे है कि नहीं है। इसमें डी मॉर्गन लगाने की जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बात समझ आती है। ऑप्शन डी कुछ भी हो मुझे इस पे परवाह नहीं है, मुझे बस ये देखना था कि एक्सोर एक्सनॉर कम से कम ना हो, वो नहीं है। अब मुझे बताएं, जो थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उसकी यूटिलिटी देख पा रहे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी कब सॉल्व कर पाइएगा? नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्सोर, नॉट अबाउट एक्सनॉर, बट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। एग्जॉर एग्जॉर पे जब दोनों पे अंडरस्टैंडिंग लेंगे तब बात समझ आएगी, बस कॉम्प्लीमेंट का ही, हाँ कॉम्प्लीमेंट का खेल है, कॉम्प्लीमेंट एक बार समझ गए तो कहानी समझ आ जाएगी, दोबारा देख लीजिए फिर एनालाइज करिए, दोबारा देखिए फिर एनालाइज करिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मुझे लगता है मुझे लैपटॉप मंगा ही लेना चाहिए। बताए भाई ये चीजें फॉलो कर पा रहे हो क्या? हेलो, मुझे लैपटॉप चाहिए, थैंक यू। ओके जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, गेट 2019,
टू मार्क क्वेश्चन है। डाउट अभी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ये देखो गेट 2019 टू मार्क क्वेश्चन है, मार डालो इसको। एक आप सॉल्व करो, मैं एक मिनट में आता हूं। क्या आंसर आ रहा है? बी आया। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये नहीं पढ़े कि इसने ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है? इसने नॉट वैलिड पूछा है। तो भाई क्वेश्चन तो पढ़ना है। 1%, 55%, 33% एंड 11%। अब जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये तो साक्षात कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या ये कभी गलत हो सकती है? नहीं, एक्सॉर तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है ना, ये ट्रू है। ट्रू है तो गलत हो गया, बाहर करो इसे, हमें तो नॉट वैलिड बताना है। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार का टोटल बार एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर होता है, सही तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन है ये 11% लोग जिन्होंने कहा कि डी गलत है? भाई एक्स नॉर का उल्टा ही तो एक्सोर होता है, बिल्कुल सही लिखा है उसने। फॉलो कर पा रहे हो? इधर आ जाओ, ये क्या कह रहा है? एक्सोर और चेक कर लो ना एक बार, क्योंकि बाद में अगर मैं इसको थ्योरेटिकली भी लेके चलूंगा तो कुछ लोग मुझे परेशान जरूर करेंगे। तो मैं काम करता हूं, बल्कि सिंपल से स्टार्ट करता हूं, और एंड इसको ऑब्जर्व करने के लिए टेबल बनाएंगे तो शायद ज्यादा सहूलियत आपको होगी। ऐसा देख लीजिए, 0001 1011, और पे क्या मिलेगा? 0111, एंड पे क्या मिलेगा? 0001, एक्सॉर पे क्या मिलेगा? एक्सॉर पे मिलेगा 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 0110, सही बात है। अब ये कह रहा है इफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो, कहां कहां पर एक्स डॉट वाई जीरो है? पहली तीन रो में, तो आखिरी तो मेरे को स्टडी नहीं करना, पहले तीन रो की बात करूंगा। कह रहा वहां पे एक्सॉर और बराबर है, एक्सॉर और बराबर है। बताओ सही बोल रहा है क्या? हाँ बात तो सही है, वहां पे एक्सॉर और बराबर है। मुझे बताएं एक बार, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बहुत सिंपल बात है। तो अब अगेन फिर वही लॉजिक है, अगर तीनों स्टेटमेंट वैलिड हैं तो बचा कौन? ऑप्शन बी, वही गलत होगा। मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? पहचान लीजिए बिल्कुल। ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट है तो बताइए। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा पिछली स्लाइड में डाउट है, रुक जाओ जरा, बताओ इधर डाउट है क्या किसी को अभी भी? माई ऑल सॉल्यूशन आर करेक्ट बट लिटिल बिट डिफरेंट, नाउ दैट द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी, या तो सही है या तो नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम के डायग्राम में डाउट है, ये लीजिए डायग्राम देख लीजिए। जी हाँ, कल सुबह नेटवर्क की क्लास है, कोई छोड़िएगा मत, कल तो आग लग जानी है भाई साहब। कल हम सीएसएम में पढ़ेंगे, और कल की क्लास जिससे छुट्टी उसके आगे के सारे वर्जन गड़बड़ है,
फिर ना सीएसएम में समझ आएगा, ना सीएसएम में सीडी, ना सीएसएम में सीए। कल की क्लास मत छोड़ दीजिएगा। आयुष मंगोरे कह रहे हैं कि डी एक्सप्लेन करो। ना ना डी ना करूंगा मैं एक्सप्लेन। अगर डी में वैल्यू पुट करके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे तो मेरा पढ़ाना मिथ्या है, कोई फायदा नहीं है। मैं सारे ऑप्शन सॉल्व नहीं करता भाई। अगर ए और बी रख के रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे क्या, तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ बताइए। फॉलो कर पा रहे? मेरी मम्मी भी चाहती है कि मोबाइल को आग लग जाए। मम्मी से बोलिए कि अब इसका पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो जहर से कभी कभी दवाई बनाई जाती है, एक दिन इससे नोट बरसेंगे, बताइए उनको। फिर वो कहेंगे इसको दो बार साफ करके सजा के रखो, इससे ज्ञान मिल रहा है। सरस्वती आएगी तो फिर एक दिन लक्ष्मी भी आएगी। मम्मी को फोन से प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरे दिन बैठ के स्क्रॉल करते उससे प्रॉब्लम है। अच्छा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हो पा रहा है ना, ये बात खत्म हो गई। ये आ जाओ जरा, रिलेशनशिप, मैं भी तो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, ये भी तो रिलेशनशिप है, ये भी रिलेशनशिप है। यहां जहां जहां कॉम्प्लीमेंट है मैं एक बार अलग से बना देता हूं। लीजिए मैंने अलग से एक बार बना दिया, ऑब्जर्व करिए बताइए। हाँ भाई फॉलो कर पा रहे? ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी पे ही सॉल्व होना है। ओके अगेन, क्या पूछा? करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है? हर क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। यस कोई बात नहीं। एक्सोर का एक इनपुट अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो एक्सनोर होता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक्सोर का एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट करे तो एक्सनोर होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सोर को टोटल कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो एक्सनोर होगा, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बड़े साधारण किस्म के सवाल है, बहुत सिंपल। ये एक्सोर है, एक्सोर के दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट करे तो एक्सोर ही मिलता है, खत्म हो गया। डी करेक्ट आंसर है। दो नंबर का क्वेश्चन है, सोचिए। अगर प्रॉपर्टी पढ़ के जाए, चीजों का ज्ञान हो, तो साधारण तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब आपको समझ आ रहा होगा कि गेट वाले एक या दो नंबर का वेटेज 100% लॉजिक गेट को देके चल रहे कि नहीं चल रहे। एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल आइडिया। बच्चे को लॉजिक गेट की बेसिक समझ भी है कि नहीं है? फ्लिप फ्लॉप पे कैसे क्वेश्चन पूछ ले, मल्टीप्लेक्सर पे कैसे क्वेश्चन पूछ ले, ये पढ़ के आए कि नहीं आए वो जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए में बार समझ नहीं आ रहा भाई, टोटल पे बार लगा है, ऑप्शन ए ऐसा लिखा हुआ है। अगर पी एक्सोर क्यू का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो पी एक्सनोर क्यू बनेगा, इसमें कोई आपत्ति हो सकती है किसी को बताइए। बस बात खत्म हो गई। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट है?
ओके okay. अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ऑप्शन डी में कुछ भी आ रहा हो, बात है कि इनकरेक्ट है, समझ पा रहे ना, बस बात खत्म हो गई। अच्छा ये तो आपको मुश्किल लगा होगा क्वेश्चन, ये ऑब्जर्व किया आपने 2016, ये बताओ इसका आंसर क्या है। स्पीड देख रहे हो, क्लास रुकी नहीं बीच में। अभी बताओ जरा इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे। ओके okay. तो यहाँ पे क्या क्या आंसर है। 20% लोगों को मिला है ए, और 5% सेट बी, 62% सेट सी, और 14% सेट डी, है ना। क्या बोल रहा है, लेट पूरा कंडीशन लिख दिया, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर, X1 X2 X3 X4 का एक्सोर करेंगे 0 मिलेगा, और बोल रहा है कि बूलियन वेरिएबल्स है, एक्सोर एक्सोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, इसमें से कौन कौन ट्रू हो सकता है। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पहले भी मैं कई बार सॉल्व करा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो इसको थियोरेटिकली ऑब्जर्व कराना और समझाना या समझना क्या कभी कभी मुश्किल हो सकता है, हो सकता है। तो आमतौर पे जो आइडिया मैं आपको मना कर रहा होता हूँ वो ये कि कौन सा मेथड कभी कभी बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करने की आमतौर पे मैं सलाह नहीं दे रहा होता, टेबल मेथड, इजंट इट, कि टेबल आमतौर पे नहीं बनाने का, बिकॉज टेबल बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाता है और उस आइडिया को ऑब्जर्व करने में समय लगता है। बट यहाँ पर लुक एट दिस, अगर पीपीटी आपने पहले से पढ़ी होगी तो क्या टेबल मैंने पहले से बनाया है। कभी कभी चीज ऑब्जर्व करना आसान है, अगर वो इतने डेप्थ में पूछ रहा है तो क्या टेंशन है। चार वेरिएबल है, गौर करिए, चार वेरिएबल है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 बनेंगे। 0000 से 11111 तक मैं चला गया, 4 पे 16 कॉम्बिनेशन बनते बन गए। अब अगेन जो जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये इनपुट चाहे चारों पांचों छह, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है क्या कि एग्जॉर का रिजल्ट जल्दी से कैसे लिखते हैं, है ना, मैं साथ में हेल्प करूंगा, कोई वो टेंशन नहीं, बताना जरा कैसे लिखते हैं भाई, क्या चेक करते हैं एग्जॉर में, याद करो। वन चेक करते हैं, वन पे ध्यान दो, बहुत सही बात है, वन भी ऑड या इवन, ऑड होना चाहिए। 0 है तो 0 भर देता हूं, यहाँ पे 1, इधर भी 1, इधर 0 और इधर 1, या मैं काम करता हूँ ब्लैक कलर यूज करता हूँ क्योंकि ये कलर्ड है, उससे शायद और अच्छे से अपन रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, है ना, जहां गलती करूँ टोक दीजिएगा। तो चलिए मैं दोबारा शुरू करता हूँ, तो इधर 0 होगा, 1 होगा, देन अगेन 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, एंड देन अगेन 0 होगा। ये तो पैटर्न भी समझ आ रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, देन 1 होगा, अच्छा नहीं, इधर ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, और इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, जरा बताइए सही फिल किया है क्या। 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0, सही है, ठीक है, आगे आ जाइए। तो उसके बाद ये, अच्छा यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, दिस दिस दिस, अब यहाँ देखिए कलर कोडिंग आपको समझ आएगी। इसने ये कंडीशन दे दिया कि चारों का एग्जॉर 0 होगा हमेशा, यस
अब देखिए आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कलर कोड में क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात आपको समझ आ रही है कि ऑरेंज कलर वाली लाइन को कंसीडर करने का कि नहीं करने का। सिर्फ ऑरेंज को ही कंसीडर करना है, लाइट ब्लू को कंसीडर नहीं करना, स्काई ब्लू को कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि गिवन कंडीशन है। फॉलो कर पा रहे हो? कभी कभी सबसे लंबा तरीका ही सबसे लॉजिकल लेकिन सबसे इजी हो सकता है ना। तो अब मैं ऑरेंज लाइन तो सॉल्व करूं ना, वहां तो मुझे कोई क्रॉस चेक करना नहीं है, सॉरी ऑरेंज ही सॉल्व करना है। जो विदाउट ऑरेंज लाइन है उस पे मेरे को काम नहीं करना, इस पे नहीं करना मुझे काम। ठीक है, इधर आ जाइए, एंड करेंगे, एंड की कंडीशन जानते हैं, एक भी जीरो तो जीरो, एक भी जीरो तो जीरो, और ये तो सब जीरो ही होंगे, सिर्फ लास्ट वाला शायद एक ऐसा होगा जिसमें वन मिलेगा। कॉमन सेंस है, एंड है ना, एंड है, एक भी जीरो तो जीरो, सिर्फ लास्ट वाला होगा जिसमें वन मिलेगा। ऑप्शन में कहीं बोला है क्या? ऑप्शन में बोला है कि इन चारों का एंड जीरो आएगा। तो अब ए सही है कि गलत है? एक गलत है, क्योंकि एक बार भी गलत तो गलत। हमारे पास एक केस है कि अगर चारों का वैल्यू वन हो, अगर चारों का वैल्यू वन हो तो एक्सऑर जीरो होता है जबकि एंड वन होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत आराम से टाइम लीजिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे पता है बाद में अटक जाएंगे, इस वजह से टेबल बना के लाया हूं पहले से, ताकि बाद में अटकने का कोई सवाल ना हो। क्यों गलत है समझ पा रहे हैं? आपका कहना था कि अगर एक्सऑर जीरो होगा तो रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा, बट नहीं, यहाँ पे रिजल्ट वन मिल रहा है। यस, आगे बढ़ूं, अगला ऑब्जर्वेशन की तरफ चलूं। अगला ऑब्जर्वेशन इधर बनाया हुआ है, एक्स वन एक्स थ्री और एक्स टू। अब एक्स टू जरा डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए कैसे बढ़ते हैं, और है ना, एक्स टू कहाँ कहाँ पर वन है, कहीं पे एक्स टू वन है, जहां एक्स टू वन है वहां तो डायरेक्ट वन भर लीजिए। और वैसे तो अगर एक बार भी गलत हुआ तो गलत हो गया। आप ये एक वैल्यू देख लीजिए बस, क्या यहाँ पे रिजल्ट वन आएगा? हाँ, क्योंकि एक्स टू का वैल्यू वन है। कैन यू सी दिस? अब आप तो कह रहे थे जीरो आएगा, अगर एक बार भी रिजल्ट वन है तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए, ये सारे ऑप्शन ही है कॉलम के अंदर, क्या पॉइंट रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? हाँ, मैं रुक रहा हूँ, पचा लो, आप पचा लो, डाइजेस्ट करो। फिफ्थ नंबर रो में मैं हूं, यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू वन है, और मैं अगर एक भी वन हो तो रिजल्ट वन होता है ना, तो इधर मैं वन भर दे रहा हूँ, और फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो कह रहा है कि जीरो होगा जबकि यहाँ तो वन आ रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। करिए ऑब्जर्व, देखिए अगर वो चाहे वो ट्रू पूछे चाहे वो फॉल्स पूछे, फॉल्स कब बोलेंगे? किसी स्टेटमेंट को फॉल्स कब बोलेंगे? वो हमेशा फॉल्स होना चाहिए। ट्रू कब बोलेंगे? हमेशा ट्रू होना चाहिए, उसके बाद जो भी है उल्टा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉल्स मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन, ट्रू मीन्स टॉटोलॉजी। अच्छा अब बताइए जरा कौन सा स्टेटमेंट, ये आसान है, यहाँ पे और है। अब ये तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट हुआ कि सबका और करूंगा तो जीरो आएगा। भाई साहब, एक बार भी वन हुआ तो वन हो जाएगा ना, ये तो 100% बाहर जाएगा मैदान से। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, बहुत सिंपल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाले केस है। अब रहा एक ही स्टेटमेंट, ऑब्वियसली आप चाहे तो भर लो, मैं वेट करता हूँ, चाहे तो डायरेक्ट समझ जाओ, यही सही होगा। अगर तीन बाहर हो चुके हैं तो दिस इज द ओनली पॉसिबल आइडिया जो मैच करेगा। अब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करने का भी अपना अलग मजा होता है। अब वहां पे आप कोई शॉर्ट ट्रिक आजमा पा रहे हैं या टेबल मेथड से कर रहे हैं, पॉइंट है कि दो नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से 1 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा समय ले, कोई टेंशन नहीं है। सी रूल से सी बाहर हो रहा है, इसका मतलब आप रूल गलत लगा रहे हैं, यही हो सकता है, सोचिए। क्योंकि जब बाकी तीन गलत हैं, इसने ट्रू पूछा है ना। हाँ बताइए, चलिए कौन सा रूल लगाया आपने? अच्छा आप बोल रहे हैं कि आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है, सी आंसर आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं? ओके,
तो इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग ली आपने बताइए, इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग ली? कभी कभी ऑप्शंस के साथ खेलना, कभी कभी बहुत फंडामेंटल भी चला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ऑप्शन बनाओ, टेबल बनाओ, सॉल्व कर डालो, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, कोई क्वेश्चन कैसे भी पकड़ना है ऐसे तो आएगा ही आएगा, सही बात है क्या? यस, चलिए इस क्लास को अभी यही खत्म करता हूं, है ना, एक दो क्वेश्चन बचे उसको टेस्ट करिए, और अगले क्लास के अंदर कल मैं बात करूंगा एक्सप्रेशंस की, ऊपर लिंक है, कल सुबह बात करूंगा नेटवर्क्स की, कल की क्लास मत छोड़ दीजिएगा सुबह की, कभी 4 दिन से उठे नहीं हो तो आदत छूट गई हो। ओके, बाय बाय।